अस्सलाम वालेकुम क्लास वन टू, मैं राबिया आपकी उर्दू की टीचर एक नए सबक के साथ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो हरफी अल्फाज, दो हरूफ को मिलाकर एक नया लफ्ज बनेगा जिसे हम कहेंगे दो हरफी अल्फाज। और वो दो हरफी अल्फाज आज हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, हमारे पास जो हरूफ है बे से लेके तय तक। और ये जो है हरूफ की आधी शक्ल है जो आप लोग सीख चुके हैं, तो आप पढ़ेंगे बे, पे, ते, टे, से, जी, शे, थे, है। ठीक है बच्चों, ये हरूफ की आधी शक्ल है बे से लेके थे तक। और हमें मिलाना किससे है, पांचों हरूफ से, अलिफ से। ठीक है, जब बे और अलिफ को मिलाते हैं तो बच्चों क्या बनता है, बे अलिफ बा। और बच्चों आज हम लिखना सीखेंगे कि बे अलिफ बा लिखते कैसे हैं। देखिए, पहले बनाएंगे बे की आधी शक्ल। ये देखिए बे की आधी शक्ल बनी और अलिफ को इसके साथ जोड़ते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा बे अलिफ बा। ठीक है, बे को अलिफ से मिलाएंगे तो बना बे अलिफ बा। अब है पे की आधी शक्ल और इसको अलिफ से मिलाएंगे तो पे अलिफ बा बनेगा। और आपको पता है कैसे बनेगा, पहले हम लिखेंगे पे की आधी शक्ल और यहीं से इसको ऊपर ले जाएंगे, अलिफ को मिला देंगे इसके साथ तो बन जाएगा पे अलिफ पा। अब है ते, जब इसको अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पे अलिफ ता। लिखेंगे कैसे, पहले ते की आधी शक्ल बनाएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर पेंसिल लेके ऊपर चले जाएंगे और इसमें दो नुक्ते, पे अलिफ ता। अब है ते, ते को अलिफ से मिलाएंगे तो बच्चों टे अलिफ टा। लिखेंगे कैसे, बिल्कुल टे की आधी शक्ल, फिर इसको अलिफ से मिला के ऊपर ले जाएंगे और छोटी तोई, टे अलिफ टा। अब है से और अलिफ, से और अलिफ को मिलाते हैं तो बच्चों क्या बनता है, से अलिफ सा। से की आधी शक्ल बनेगी बिल्कुल, फिर इस अलिफ से मिलेगा और ऊपर जाएगा तो ये बनेगा से अलिफ सा। अब कौन सा हरूफ है, किस हरूफ की आधी शक्ल है, जीम। जीम को अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जीम अलिफ जा। देखिए पहले जीम की आधी शक्ल ऐसे बनाएंगे, ठीक है, आगे ही आधी शक्ल और इसको अलिफ से मिला देंगे, जीम अलिफ जा। ठीक है, अब है चे, चे को अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चे अलिफ जा। फिर पहले हम करेंगे चे की आधी शक्ल, फिर इसको मिला देंगे अलिफ से, बनेगा चे अलिफ जा। अब है हे, हे को अलिफ से मिलाएंगे तो गुड, हे अलिफ हा। पहले आएगी हे की आधी शक्ल, फिर इसको ऊपर अलिफ से मिला देंगे, बनेगा हे अलिफ हा। अब है फे, फे को अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फे अलिफ हा। और फे की आधी शक्ल कैसी होती है बच्चों, ऐसे और इसको अलिफ से मिला देंगे, ठीक, फे अलिफ हा। तो दो हरूफ को मिला के हमने एक नया लफ्ज बनाया है जिसे हम दो हरूफ की लफ्ज कह रहे हैं। वो और बनेगा कैसे, पहले पहले हरूफ की आधी शक्ल बनेगी और उसके साथ अलिफ जुड़ जाएगा। दोबारा से पढ़ते हैं, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, ते अलिफ ता, टे अलिफ ता, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा, चे अलिफ जा, हे अलिफ हा, हे अलिफ खा। ठीक है बच्चों, ये काम आपको करना है उर्दू की किताब में सफा नंबर 17। ठीक है, इसके भी मार्क्स हैं आपके 5 नंबर हैं और इसमें आपको ये करना है, बिल्कुल ये सफा नंबर 17 है। इसमें तीन लाइनें दी हुई हैं, तीन कॉलम्स दिए हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक कॉलम में करना है, अच्छा काम करना है, लाइन का ख्याल रख के करना है ताकि आपकी तहरीर, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, और नीचे करके लिखिएगा क्योंकि ये वाला काम हम आओ पढ़े में पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए नीचे करना मुश्किल नहीं है, बस आपने काम बहुत अच्छे और साफ सुथरे तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो तक, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।